ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया इधर से, और तुम लोग ईवीएम पूछ रहे हो या रुपया बट रहा वो नहीं बताओगे कुछ। हमारे एक साथी ने जो सवाल किया है, अभी मुझे गिनती नहीं पता है, बता रहे 250 करोड़ से ऊपर पैसा निकल चुका है। आप खुद सोचिए, इसी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी ने एक उद्योगपति के यहां छापा मारा, और आप में से बहुत सारे साथियों ने ये लिखा और चलाया कि इस इत्र व्यापारी के यहां जिसके यहां छापा पड़ा है, ये समाजवादी पार्टी का इत्र व्यापारी है, इसका संबंध समाजवादी पार्टी से है। और कई अखबारों ने फ्रंट सबसे बड़ी खबर बनाई। मुझे सुनने में आ रहा है कि उसका आधा पैसा वापस हो गया है। तो ये जो छापा पड़ा है वो अपना हिसाब किताब ठीक कर लेगा, आधा पैसा फिर वापस ले लेगा। ये कौन सी बड़ी बात है? आपको सवाल पैसे का नहीं पूछना चाहिए। बताइए, नोटबंदी से क्या मिला है, इसका रिजल्ट क्या है? क्या है नोटबंदी का रिजल्ट बताओ आप? नोटबंदी के बाद भी लोगों के इतना पैसा निकल रहा है। सवाल ये नहीं कांग्रेस और बीजेपी का, सवाल ये है कि नोटबंदी के बाद भी लोग बेईमानी कर रहे हैं। और जिसमें कानपुर वाला जिस इत्र व्यापारी का पैसा निकला था, वो सब बीजेपी का पैसा था। हम उस इत्र व्यापारी से कहेंगे, और बीजेपी के नेताओं ने जिन्होंने झूठा प्रचार किया था हमारे लिए कि समाजवादियों का पैसा है, हम उनसे कहेंगे कि चुनाव आ गया है, कम से कम आधा तो भिजवा दो यहां, चुनाव कैसे लड़ेंगे हम लोग। जब इत्र व्यापारी के यहां बोला कि पैसा समाजवादियों का है, तो बीजेपी के लोग भिजवाए आधा पैसा वापस, तो उससे चुनाव लड़ा जाए। फिर चलाइए न्यूज़ से। मांग रहे इस बार रोजगार, और 24 आएगा, देखिए हर नौजवान रोजगार मांगेगा। इन्होंने नौकरियां छीन ली, इन्होंने रोजगार छीन लिए, और ये केवल हम लोगों का रोजगार नौकरी नहीं छीन रहे, आपका भी छीन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे मुझे ऐसे लोग आ रहे नौकरी खोजने उत्तर प्रदेश में, और पीछे बेरोजगार बैठे हुए आप मानते हैं उनकी बात? वो 46 में 56 है, याद है 46 में 56? आज तक सूची नहीं जारी की उन्होंने। क्यों ऐसे सवाल पूछते हो तुम? हम लोग काम करने आज अच्छा काम है आज। अरे सर, बहुमत मिल गया, सरकारी बन जाएगी, क्यों आप टेंशन में हो? चलाइए चैनल में, जब तक तो अच्छा है ना, तब तक कुछ कुछ न्यूज चलती रहेगी।